बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। जैसा कि देख पा रहे हैं, हम आज आपसे डिस्कस करने वाले हैं एरर के क्वेश्चन को कैसे करना है, ये जो एरर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इनको कैसे करना है। तो बेसिकली इनको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कि सर इनको सही करने का क्या तरीका है, क्या अप्रोच होना चाहिए, हाउ वी शुड टैकल दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, कैसे इनको क्या करें, कैसे करें, कैसे इनको टैकल करें। तो जवाब देखिए एक सिंपल सा ही है। जवाब क्या है, जवाब ये है कि इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको कई सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। अगर वो स्टेप्स आप अच्छे से ले पाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपसे ये क्वेश्चन सही करने से नहीं रोक सकता, ठीक है। लेकिन अगर आप वो स्टेप्स अप्रोच अच्छे से नहीं जानते तो आपके ये क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा एक चीज़ एरर के क्वेश्चन करने के लिए जो अप्रोच डिस्कस करने वाले हैं उसको हमेशा अच्छे से ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला देखिए क्या करना है, कभी भी आपको अगर कोई क्वेश्चन मिले तो सबसे पहली जो बात है वो उस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन का हमेशा आपको क्या पाना है, उस क्वेश्चन का हमेशा सब्जेक्ट ढूंढना है। सबसे पहला काम क्या करना है, मान लीजिए जो क्वेश्चन दिया गया, वॉट एवर क्वेश्चन इज गिवन देयर, दैट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को क्या करना है, उस क्वेश्चन का एरर आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। उस क्वेश्चन का क्या करना है, उस क्वेश्चन का जो भी एरर है उसको और अच्छे से देखना है कि भाई यहां पर एरर तो है लेकिन उस एरर में सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, उस एरर में सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन में सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। बाद में एरर के पीछे पड़िए, पहले देख लीजिए कि सब्जेक्ट क्या है। अब जैसे आपने क्या किया, जैसे यहां पर दिया है अ पर्सन इज सिटिंग, बैठा कौन है, अ पर्सन, यानी यहां पर जो सब्जेक्ट हुआ वो कौन हुआ, सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम करता है, कार्य करने वाला, जो सेंटेंस में क्या करता है, सेंटेंस में जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है। तो अ पर्सन बैठा कौन है, अ पर्सन, ये बात पता चल गई। बिहाइंड यू, और यू यहां पर क्या, यू है आपका ऑब्जेक्ट, तुम्हारे पीछे बैठा है, ठीक है। अ पर्सन इज सिटिंग बिहाइंड यू इन अ सिनेमा, कहां बैठा है, सिनेमा में। अब देखो यहां पर क्या, ये जो स्टार्ट्स आया ना ये किसके लिए आया, ये इसी सब्जेक्ट के लिए है। पर्सन शुरू करता है ना, ये पर्सन शुरू करता है टॉकिंग, तो ये जो आया ये इसी की, बस यही सारी बातें आपको समझना होता है कि कौन सी वर्ब किसके लिए आई, क्या किसके लिए आया, ठीक है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आपको कहीं ना कहीं एरर वाली समस्या में प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट को पकड़ना है। अब देखिए फोन एंड यू वॉन्ट, अब देखिए यहां पर यू वॉन्ट टू टेल हिम हर टू स्टॉप, तो यहां पर जो सब्जेक्ट हो गया वो आपका क्या हो गया, यू, क्योंकि तुम चाहते हो उससे कि वो क्या करे, स्टॉप करे। तो सबसे पहले अगर कोई भी सेंटेंस दिया है तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, यू टू सी सब्जेक्ट देखना है, ठीक है। सब्जेक्ट को आपको अच्छे से देखना है कि भाई कौन यहां पर काम कर रहा है, ठीक है। जैसे क्या होता है कभी कभी, जैसे तुम्हारा क्या है, देयर आर, अब यहां पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फाइव मेंबर्स, ठीक है, यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर देयर लगाए तो आर किसके लिए, तो ये क्वेश्चन ऐसा है, फाइव मेंबर्स आर देयर, मतलब वहां पे कितने मेंबर है, फाइव मेंबर, आप ऐसे कर लोगे तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको पता करना पड़ता है कि यहां पर एक्चुअल में सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना होता है। अगर आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलते तो आपको हर चीज क्लियर हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं, सब्जेक्ट अगर पता चल जाए तो उसके बाद आपको क्या पता चलना है, वर्ब, यानी यहां पर आप क्या करते हो, सबसे पहले आपने उस सेंटेंस का सब्जेक्ट, अब देखिए यहां पर तो बहुत समय लग रहा है, जैसे क्या होता है गाड़ी नई नई चलाते हो तो बड़ा समय लगता है, तो वैसे ही एरर की बात जब हम समझा रहे हैं तो पहले थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जब ये गाड़ी तेज चलने लगेगी तो आप तुरंत देखोगे अच्छा ये सब्जेक्ट है, इसके लिए ये वर्ब आया, ये सही नहीं आया तो ये गलत है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, अ पर्सन। अब अगर आपका एक बात और पता होनी होती है कि अगर आपका क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आता है वो हमेशा कैसा आता है, वो हमेशा सिंगुलर आएगा। और अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भैया कौन सा वर्ब आएगा, प्लूरल के साथ हमेशा
प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है। यानी पहले आपने सब्जेक्ट चेक करा, अब क्या चेक कर रहे हो, वर्ब चेक कर रहे हो, ठीक है। पहले आपने सब्जेक्ट चेक करा, आप कौन चेक कर रहे हो, वर्ब, और वर्ब में आपका हेल्पिंग वर्ब भी होता है, तो इसको भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। यू मस्ट नो हेल्पिंग वर्ब, एंड हेल्पिंग वर्ब के अलावा यू शुड नो मेन वर्ब ऑल्सो। आपको क्या पता होना चाहिए, मेन वर्ब भी पता होना चाहिए। इट मीन्स यू मस्ट नो हेल्पिंग वर्ब एंड यू नो मेन वर्ब ऑल्सो। हेल्पिंग वर्ब भी पता होनी चाहिए, मेन वर्ब भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अब पर्सन, पर्सन कितना है, एक है, तो उसके लिए आपकी सिंगुलर वर्ब आई क्या, इज आई, ठीक है। अब पर्सन इज, अब देखो इज के बाद क्या आया, सिटिंग, एक पर्सन बैठा है, तो इज सिटिंग बिल्कुल सही, क्योंकि अब ये बात आपको पता होनी चाहिए कि बी के बाद वर्ब की आई एन जी फॉर्म आती या थर्ड फॉर्म आती। हमने क्या बताया, पहले सब्जेक्ट पता होना चाहिए, फिर वर्ब, और वर्ब में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आपको पता होनी चाहिए। तो अ पर्सन इज सिटिंग बिहाइंड यू इन अ सिनेमा, यू इन अ सिनेमा, कहां बैठे है, तुम्हारे पीछे सिनेमा। स्टार्ट्स, अब देखो ये जो स्टार्ट्स आया ये किसके लिए आया, तो तुरंत आपका दिमाग जाना चाहिए ये आया अ पर्सन के लिए। तो अ पर्सन के लिए जैसे हम क्या करते हैं, राम अगर कहीं पे लिखा होता है तो राम गो तो करते नहीं, हम क्या करते हैं, राम गोज करते, क्या करते हैं, राम गोज करते। तो यहां पर ए पर्सन के लिए क्या आएगा, स्टार्ट्स, ठीक है। अब पर्सन के लिए क्या आएगा, स्टार्ट्स, क्योंकि सिंगुलर के लिए एस आई एस लगाते हैं, ठीक है, और प्लूरल के लिए एस आई एस नहीं लगाते। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पर्सन इज सिटिंग बिहाइंड यू इन अ सिनेमा, स्टार्ट्स टॉकिंग ऑन मोबाइल, कहां पर बात करना। अब देखो स्टार्ट के बाद आपका क्या आ गया, स्टार्ट के बाद आपका आ गया भाई वर्ब की आई एन जी फॉर्म। अब ये बात हमको पता होनी चाहिए कि स्टार्ट के बाद वर्ब की आई एन जी फॉर्म आती है किसके लिए, शुरू करने के लिए, ठीक है। वो क्या करता है, शुरू करता है कहाँ पर, बात करना मोबाइल में, कॉन्टिन्यूएशन के लिए वर्ब की आई एन जी फॉर्म आती। अब ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, कहाँ पर, ऑन मोबाइल फोन, मोबाइल फोन पर। एंड यू, अब यू के लिए आपका क्या आएगा, वॉन्ट आएगा, क्योंकि आई वी यू दे के साथ हम एस आई एस नहीं लगाते, ठीक है। तो यहां पर यू आपका सब्जेक्ट है, तो वॉन्ट टू टेल हिम हर टू स्टॉप, ठीक है। तो यानी आपने पहले क्या पता करा, पहले आपने सब्जेक्ट पता करा, फिर वर्ब पता करा। अब तीसरी बात देखते हैं कि तीसरी बात हम क्या पता करेंगे। अब आपका क्या आ गया, पोजीशन, और पोजीशन का मतलब क्या होता है, पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, जो तुम्हारे पास है, ठीक है। तुम्हारा जो क्या है, तुम्हारा जो पोजीशन है, तुम्हारा जो अधिकार है, ठीक है, वो आपका क्या हो गया, वो आपका पोजीशन हो गया, अधिकार हो गया, ठीक। तो आपको सबसे पहले क्या पता करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट पता करना है, फिर वर्ब पता करना है, और फिर पी, सब्जेक्ट वर्ब एंड पी, यानी पी का मतलब पोजीशन। पहले सब्जेक्ट पता करना है, फिर वर्ब पता करना है, और फिर क्या पता करना है, पोजीशन, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या है, अ टीचर इज, तो हमने सब्जेक्ट देखा क्या है भाई, अ टीचर। अब ये सब्जेक्ट हो गया, अगर ये सब्जेक्ट हो गया तो इसके लिए क्या आएगी, इसी के लिए वर्ब आएगी। अ टीचर के बाद आपका क्या आ गया, इज, और अप्रिसिएटिंग, जैसा कि हमें पता है, ये बात भी पता होनी चाहिए कि बी के बाद या तो वर्ब की आई एन जी फॉर्म आती या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती। तो ये बात अगर हमको पता है कि अ टीचर इज अप्रिसिएटिंग अ चाइल्ड, ठीक है, एक टीचर है, क्या कर रहा है, अप्रिसिएट कर रहा है किसको, अ चाइल्ड को, फॉर हिज ओवरऑल लैंग्वेज। अब रुक जाओ यहां पर, ये जो हिज आया ये किसके लिए आया, हिज ओवरऑल लैंग्वेज यूज के लिए, उसको क्या कर रहा है, अप्रिसिएट कर रहा है, क्या है, कोई टीचर है, टीचर अप्रिसिएट कर रहा है अ चाइल्ड को, उसके ओवरऑल, जाहिर सी बात है यहां पर जो हिज आया ये किसके लिए आया, ये इनके लिए आया, अ चाइल्ड के लिए आया, क्योंकि टीचर के लिए तो आएगा नहीं, ओवरऑल लैंग्वेज यूज कौन करेगा भाई, बच्चा करेगा। तो जब बच्चा करेगा तो बच्चे के लिए हिज आया, बस यही पता करना है कि वो हिज टीचर के लिए आया कि वो हिज बच्चे के लिए आया। यानी आपको क्या क्या पता करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन आपको क्या पता करना है, देन आपको पता करना है पोजीशन। दो सम ऑफ द वर्ड्स वर मिस स्पेल्ड बाय हिम, कुछ वर्ड उसके द्वारा क्या थे, सम ऑफ द वर्ड्स। अब देखिए यहां पर आपको पता करना पड़ेगा सम ऑफ द वर्ड्स, क्या ये सही है कि नहीं, ये बिल्कुल सही है, सम ऑफ द वर्ड्स सही है। अब देखो यही सब बातें आपको जानना होगा कि सम ऑफ द वर्ड्स है, ठीक है, यानी वर्ड्स में से कुछ वर्ड निकालेंगे तो वो कैसा होगा, प्लूरल। अब यहां पे सम ऑफ द वर्ड्स में सब्जेक्ट कौन होगा, ये बात आपको पता लगाना होगा। तो अगर आपको ये बातें पता है कि सम ऑफ द वर्ड्स में सब्जेक्ट यहां पे सम होगा,
सम वर्ड्स मतलब इनमें से इतने वर्ड, क्योंकि प्रपोजिशन होता है तो उसके पहले वाला जो बिफोर टर्म होता है वही मेन वर्ड होता है, तो सम वर्ड्स वहां पे सब्जेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही सम वर्ड्स सब्जेक्ट होगा यहां पर भैया वर्ब बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ब मिस स्पेल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है और यहां पर सब्जेक्ट क्या है, बाई हिम, उसके द्वारा, क्योंकि ये पीछे आ रहा है। और इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं। तो यानी आज हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, फिर वर्ब पे ध्यान दीजिए और फिर पजेशन पे ध्यान दीजिए। तो ये आपकी क्या थी, ये एरर में बहुत सारी गलतियां आपकी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, अगर आप SVP अप्रोच को लेकर चलते हैं। ठीक है, और भी हम बताएंगे कि एरर को और कैसे कम करें, कैसे ये क्वेश्चन करें, लेकिन आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।